नमस्कार, मेरे दोस्तों स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, आप जब भी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप उस पर स्टोरी डालते हैं तो उसके नीचे जो व्यूअर्स दिखाते हैं ना कि आपका किस किस ने स्टोरी देखा है, वहाँ पे आपको एक यूनिक चीज दिखता होगा जहाँ पर लोग स्टोरी इस आपके जो नाम होते रहेंगे नाम के साइड में ब्लू टिक लगा रहता है। तो आपको लगता है यार मैं तो मतलब सही हो गया, किसी वेरीफाइड या किसी पॉपुलर क्रिएटर ने देख लिया, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे माइंड सेट क्या है, उसके पीछे प्लान क्या है, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस आप चैनल पर नए तो आपको पता है क्या करना है, प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो भरा पड़ा है। अब हम आ जाते हैं वीडियो की ओर। तो मकसद क्या होता है इसके पीछे, अभी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने एक स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे और जब आपने 2-3 घंटे के बाद देखा तो नीचे बंदे हैं जिनके नाम के आगे ब्लू टिक लगा हुआ है, कट बोल रहा हूँ, तो आप तो सोचते हो यार मस्त है। बट फिर आप क्या करते हो, उस पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करके उसके प्रोफाइल को ओपन करते हो। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप नीचे जाते हो, उनके फोटोज़ देखते हो, उसके बाद उनके कुछ फोटो पसंद आते हैं तो पसंद लाइक भी कर देते हो, जबकि वो आपसे कोई रिलेशन नहीं रखते, आप उसको फॉलो नहीं किए, उसने आपको फॉलो नहीं किया, कोई फ्रेंड उसका फॉलो नहीं किया, कोई फ्रेंड रिलेशन यानी दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं, किसी तरह का रिलेशन नहीं है ना, फिर भी वो आपका स्टोरी कैसे देखते हैं। तो अब सुनिए इसके पीछे का मेन मकसद। तो मार्केटिंग टूल में एक टूल होता है जिसे कहते हैं मास रोबोट व्यू। इसमें क्या होता है, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और उससे क्या होता है ना, रोबोटिक व्यूज होते हैं प्रोफाइल यानी स्टोरीज पे जा जाकर। इससे क्या होता है, जब भी आप स्टोरीज पे जब रोबोटिक व्यूज जाते हैं तो जाहिर की बात है कि स्टोरी व्यूज में उनके नाम दिखाएंगे, उनके साइड में ब्लू टिक दिखा रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप उसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद उनके प्रोफाइल को ओपन करोगे जैसा मैंने आपको पहले बोला। तो इससे क्या होता है, इंगेजमेंट मिलता है उनके प्रोफाइल को कि 7 दिन में 8 दिन में प्रोफाइल कितने लोगों ने ओपन किया है। अब इस ओपन के जरिए वो लोग मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और दबा के पैसे लेते हैं एड्स के लिए। तो ये होता है एक्चुअली माइंडसेट, ये आपके स्टोरीज को व्यू करने के लिए एक मास रोबोट व्यू करके टूल यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं यार, वेबसाइट भरे पड़े हैं इस नाम से, पर इसे जो जाहिर का जो नाम बोलते हैं उसे मास रोबोट व्यूज बोलते हैं, जहां पर कुछ पैसे दे देते हैं और रोबोटिक व्यूज बहुत सारे प्रोफाइल्स में दिखाते हैं, जबकि वो लोगों ने स्टोरी आपका जेन्युइनली ओपन भी नहीं करके देखा हुआ है। और क्या करते हो, आप उनके प्रोफाइल को क्लिक करते हो, उनके एंगेजमेंट दे देते हो और दैट्स इट। तो ये था इसके पीछे का ओरिजिनल माइंडसेट। अब ये अप टू यू है, आपके ऊपर है कि आपको उनके प्रोफाइल खोल के उनको एंगेजमेंट देना है कि नहीं, या आपको बस स्टोरी देख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था इसके पीछे का एक्चुअल माइंडसेट। और कोई ना कोई एंगल से तो यार वीडियो पसंद आया होगा ना, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। कोई ना कोई एंगल से आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देख लीजिए उसमें से जो भी आपका प्रॉब्लम है। और मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।